बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल जी, एक और बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल। ये जो मेरे नन्हे मुन्ने सब्सक्राइबर आए हैं, नन्हे मुन्ने नए यूट्यूबर आए हैं, इनके लिए प्रॉपर्टी स्कैम अगेन, उनको एक साइड पर कर दें। अब तो यानी चोर मचाए शोर वाला साहब है, तो हर बंदा ये गल कर रहा है, जो कर रहा है वो भी यही शोर मचा रहा है। प्रॉपर्टी की दो तीन टर्म्स हैं यहाँ पर, आपने इस्कान देखनी होती है, जिस तरह पाकिस्तान में आप फर्द कहते हैं या रजिस्ट्री कहते हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा शोर मचाया गया, कातर तफाकी और कातमल की थी। बाबा जब बिल्डिंग नहीं बनती है, ये जो मेरे न्यू चैनल जिन्होंने बनाए हैं उनके लिए भी है, देख लो कि तो चलो काम आएगा, ताड़े रौला पाते हो। कातर तफाकी 99% बिल्डिंग्स जो नहीं बनती हैं उनके जो टापू होते हैं वो कातर तफाकी होते हैं। चार चार पाँच पाँच साल बाद जाके कहीं मलकीती में कन्वर्ट होते हैं। कातर तफाकी वाले जो पेपर्स हैं, जो टापूज हैं, वो भी नेशनलिटी के लिए कंसिडरेबल होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर किसी को शौक है देखने का तो ऑफिस सबको मेरा पता है, आप आ सकते हैं। जो हमने केसेस किए हुए हैं नेशनलिटी के, उनमें जो कातर इतफाकी के टापू लगे हुए हैं वो भी साथ दिखा देंगे आपको। दो तरह की चीज़ें हैं, गवर्नमेंट बायलॉज के अकॉर्डिंगली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, बल्दिया के सर्टिफिकेट्स क्लियर होने चाहिए, और वो नई बिल्डिंग के कातर इतफाकी जो है वो चल जाता है सिटीजनशिप के लिए भी, सबके लिए भी। वो बेसिकली टाइम लगता है अदारों में, डिपार्टमेंट्स में चीज़ों को क्लियर करने का, और जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाती हैं, टापू क्लियर होते जाते हैं, और पूरी बिल्डिंग के पास वही लेटर होते हैं, एक चीज़। दूसरा, आप आ जाए ब्लू टापू की तरफ। ब्लू टापू भी दो तरह के हैं, एक तो वो है जो गवर्नमेंट बायलॉज के खिलाफ बने हुए हैं, वो बायलॉज आप ऊपर नीचे करते हैं सारी, वो जो बिल्डिंग जिसका वो ब्लू टापू है, अगर वो गवर्नमेंट बायलॉज के मुताबिक उसको कर लेती है मेंटेन, तो वो कार जो है वो ब्लू टापू से रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब वो ब्लू टापू अरसा का हो या दूसरा हो मैटर नहीं करता, उस वो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। लेकिन दूसरा जो ब्लू टापू है, जो बिल्डिंग या शाम लाट बोल रहे मतलब वो दूसरा जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत आपके लिए हैवी हो जाएगा। शाम लाट टाइप जो प्रॉपर्टी है, आज से 40 साल 50 साल पहले तुर्क उठे पहाड़ी पे आके किसी ने घर बना लिया, कब्जा कर लिया, फिर गवर्नमेंट आई, बल्दिया आई, और बल्दिया के अंदर आ गया वो सारा एरिया। अब वो जगह तो गवर्नमेंट की ही है, घर भी बना हुआ है, बिजली गैस पानी सब चल रहा है, लेकिन लोकल्स वहाँ रह रहे हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी वैल्यू भी लाइक उसके साथ वाली बिल्डिंग जो कातर इतफाकी मलकीती है और वो टापू रेड के साथ है, सारा कुछ उसका क्लियर है, इस्कान का मसला नहीं है, गवर्नमेंट का पड़ा नहीं है। उस बिल्डिंग के अंदर अगर 2+1 3+1 का रेट, लेट्स सपोज 5 लाख से 7 लाख है, उसके बिल्कुल बराबर वाली इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1,70,000, इससे ज़्यादा नहीं होती, तुर्के से ज़्यादा नहीं खरीदते, और टापू के ऊपर उसकी कीमत 20,000 25,000 लीरा 50,000 लीरा से ज़्यादा नहीं होती। सेकेंडली, वो सिटीजनशिप तो दूर की बात है, वो टीआरसी की एक्सटेंशन के लिए भी मददगार नहीं होती। थिंग्स शुड बी क्लियर, आई थिंक सो, ये बड़ा क्लियर हो गया होगा। अब आपने प्रॉपर्टी खरीदनी कैसे है, सबसे पहली चीज़ मैं ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, प्रॉपर्टी खरीदते हुए सबसे पहले आप टोकन दें, प्रॉपर्टी देखें जाके उस एरिया में, पहले तो आप चेक कर लें कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। जब आपने वैल्यू असेस कर ली, सब आपने चीज़ें देख ली, उसके बाद फिर मैटर नहीं करता कि आप मतलब उसका प्रोसेस में क्या है, बिकॉज यहाँ पर 50% से 60% मैंने ये चीज़ देखी है पिछले 5-6 साल में, कि आपकी जो टापू की प्राइस है, तुर्क जो है वो भी टैक्स ओवर है एक तरह से, काफ़ी हद तक काफ़ी तुर्क जो है वो टैक्स ओवर है सारे। 5 लाख की प्रॉपर्टी होगी तो लिखेंगे 30, 41, 50 उसके हिसाब से टैक्स, तो जो परचेजर है वो भी खुश होकर कर लेता है कि हाँ जी ठीक है, मुझे भी पैसे कम देने पड़ रहे हैं, 40-50 हज़ार लीरा आपकी बचत हो रही है। तो वक्ती तौर पर 40-50 हज़ार लीरा की बचत कर रहे हैं हम, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी 2.5-3 लाख लीरा नीचे लिखवा रहे हैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। ठीक है, आउटर को जब आप बेचने जाएंगे वो पैसे ऊपर वाले जाएंगे, तो आपकी ब्लैक मनी होगी, वो आप कहाँ शो करेंगे इसको। सो इन सिंपल, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, जो भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, टोकन दें थोड़ा सा, 5,000-10,000 लीरा मैक्सिमम, इतने भी ना दें अगर पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्व है बीच में, जिसका अपना दफ्तर नहीं है, जिसके पास वर्क परमिट नहीं है, जिसका वेल नोन सेटअप नहीं है, रजिस्टर्ड सेटअप नहीं है, दफ्तर तो यहाँ बेथा लोगों ने खोले हुए ना, ऐसा नहीं और श्रीनगर और फातेम भरा हुआ है इन छोटे छोटे दफ्तरों से, एक कमरे में एक ही अपार्टमेंट, एक साल पे एक पूरी फैमिली सोई हुई है, दूसरे से कमरे में पूरा ऑफिस बनाया हो। अवॉइड करें ऐसे टाउट्स को, एजेंट्स को। सो आप जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, 5,000-10,000 रुपया लीरा दे के पहले तो मालिक के सामने बैठ के डील लें, आपकी ऑनर के सामने बैठ के डील करें, उसको टोकन दें, टोकन देने के बाद उससे पेपर लें और बल्दिया के दफ्तर चले जाएँ, बल्दिया से जाके सारा किया चखा निकल आएगा हर चीज़, ये इस्कान टापू अरसा कातर तफाकी मलकीती, ये सारी चीज़ें बल्दिया वाले कच्चा छटा साफ करके आपके हाथ में दे देंगे, भाई ये प्रॉपर्टी इस काबिल है। मोर ओवर आपको थोड़ा उस एरिया की वैल्यू का भी आइडिया हो जाएगा, आपको फर्दर चीज़ें भी वो बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें कम हैं ज़्यादा हैं क्या होना चाहिए। देन उसके बाद आपने यहाँ पेमेंट का तरीका का बड़ा सिंपल और सिक्योर है,
कि आप डायरेक्टली पेमेंट जो हमारा के अकाउंट में अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर देते हैं या कैश भी देते हैं तो आपके पास वो पेमेंट प्रूफ होना चाहिए, बैंक की वो आ जाती है और बैंक जो आपको स्लिप देता है उसके ऊपर, कार्ड जो बैंक को देता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मिस्टर ए वाई जेड ने मिस्टर एक्स वाई जी को इस प्रॉपर्टी के लिए पेमेंट की है। सो वो बंदा कहीं भाग नहीं सकता, प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है और फिर एक दिन दो दिन बाद या उसी दिन टापू जो है वो आपके नाम पर ट्रांसफर होता है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। आई डोंट नो क्यों लोगों के साथ स्कैम हो रहे हैं यहाँ पर, लोग 2 बजे से मार खाते हैं। मेरे दोस्त हैं रिजवान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो, इन्होंने एक पिछले दिनों एक पोस्ट लगाई थी, मुझे बड़ा खुशी हुई थी, मजा आया था पढ़ के। उन्होंने लिखा था कि यार एक होता है एजेंट और एक होता है जानने वाला, तो जानने वाले से बचना है आपने। एजेंट थोड़ा नुकसान देगा, जानने वाला ज्यादा देगा, क्योंकि ये जानने वाला आपको लेके जाएगा उसी एजेंट के पास या उस जैसे किसी एजेंट के पास, तो एजेंट के पैसे भी ऐड हो गए जो आपने देने देने हैं सूरत में, और उस जानने वाले के पैसे भी ऐड हो गए। पॉइंट समझ गए होंगे आप। सो थैंक यू सुजान, अच्छी टर्म थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी साथ दूंगा कि रजिस्ट्रेशन जरूरी है कारोबार की। एनीवे वापिस आते हैं जी। बड़ा सिंपल तरीका कार है, होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं और 3-4-5 टॉपिक्स हैं मैं वो भी कवर करता हूँ, प्लस आजकल मसरूफियत कम है, रमज़ान बड़ा मज़े का गुजरता है तुर्की में, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। अगली वीडियो जो है वो सारे दोस्तों के लिए है, गाली गलौज करेंगे लोग, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कौन तुर्की में कब आया, मैं तो 2014 से हूँ ना, मेरे बड़े मोहतरम आदिल भाई कब आए, वली खान कब आया, एक यहाँ पर बड़े पुराने गुरु जी हैं इन सब के, 2017 में नासिर साहब वो कब आए, और फिर ये बड़े बड़े दफ्तर जो बने हुए ये सब लोग कब आए, 2017 से पहले तो कोई नहीं था इनमें से, सब बाद में आए हैं। तो एक वीडियो उस पर भी करते हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये किसी के साथ हार नहीं है कुछ नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और उसके बाद फिर आजकल चूंकि रमजान है, सुकून है, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग आ नहीं रहे हैं, पाकिस्तान में हालात भी ख़राब हैं, अल्लाह अकल दे नाम निहाल मौलवियों को और गवर्नमेंट को भी जो आगे से वैसा ही रिएक्ट कर रही है, इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। और मसरूफियत कम होने की वजह से स्टार्ट व्लॉगिंग शौक ज़रूर है मुझे, लेकिन चूंकि टाइम कभी नहीं मिला, अभी हम एक दिल्ली टूर करके आए, वो आपसे शेयर करूंगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसको मैं अभी का एडिट उसका एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था मुझे। और अगर आपको कुछ चीज़ जाननी है, अगर आप किसी और टॉपिक से किसी और पॉइंट पर अगर आप फंसे हुए हैं, आस्क मी एनीथिंग, आई विल लेट यू नो विदाउट एनी बेनिफिट और इंटरेस्ट, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। समटाइम व्हाट्सएप पे रिप्लाईज में वेट में डिले हो जाता है, लेकिन गुस्सा ना किया करें यार, रिप्लाई आ जरूर जाता है मेरी तरफ से अलहमदिल्ला। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।